देशभर में आजकल ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट एक नई टर्म सामने आई है। पीएम मोदी ने भी मन की बात में इसका जिक्र किया था। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे कि अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, यानी कि एक्शन मोड में इस वक्त सरकार डिजिटल अरेस्ट की केसेस क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं इसको लेकर के। और अब कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है, जो ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं उसको लेकर के जांच पड़ताल की जाएगी, जो संबंधित विभाग है उनसे वो भी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेंगे। गृह मंत्रालय सख्त है, हाई लेवल कमेटी डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच कमेटी करने वाली। गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी यहां पर बनाई है और आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी ने इस बार ही जो हाल फिलहाल में मन की बात की थी उसमें भी डिजिटल अरेस्ट के केसेस का जिक्र किया था कि लगातार बढ़ रहे हैं। और अखिलेश जी हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में भी इसका जिक्र कर चुके हैं और अब ये तय है कि आने वाले समय में सरकार कमेटी के साथ साथ और बड़े कदम उठाएगी जिससे इन मामलों को रोका जा सके, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, इंटरनल सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी हैं उनको इसका हेड बनाया गया है जो मॉनिटर करेंगे, सारे राज्यों के डीजीपी से वो संपर्क करेंगे, साथ में अगर आरोपी एब्रॉड में है यानी कि देश के बाहर है तो उसको भी पकड़ने के लिए दूसरी एजेंसियों से संपर्क किया जाएगा। और अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 महीने के आंकड़े बताते हैं कि 1200 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट से फ्रॉड किया गया है, साथ में 6000 शिकायतें मिली हैं इस पूरे साल में अब तक, जिसमें कि जो एजेंसियां हैं करीब उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा सिम कार्ड को ब्लॉक किया है, 3.5 लाख जो अकाउंट फर्जी मिले हैं उनको सीज किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा स्कैम है और वाकई ये चिंतित होने की बात है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, जिस तरह से इसका मोडस ऑपरेंडी है उसको देखते हुए तमाम एजेंसियों को एक साथ काम करना होगा, क्योंकि जो आरोपी है किसी एक जिले में बैठा हुआ नहीं है, किसी एक पुलिस की टेरिटरी में नहीं है, वो कहां से बैठकर इस फ्रॉड को कर सकता है इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए सारी एजेंसियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, उन पर जल्द से जल्द काबू पाना होगा। पहले आप देखते थे कि आपको लिंक के जरिए या किसी दूसरे एसएमएस के जरिए आपको फ्रॉड करने की कोशिश की जाती थी, जो कि बहुत ही आसानी से वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या वहां की साइबर सेल यूनिट इसको पकड़ लिया करती थी। लेकिन यह मामला डिजिटल अरेस्ट का मामला यह काफी बड़ा है, इसके जो आरोपी है वो विदेश से भी हो सकते हैं। किस तरीके से लोगों को मानसिक तौर पर क्षति पहुंचाता है, ये ऐसी कई खबरें हैं जो सामने आई। अब आपको बताते हैं कि जो कमेटी बनाई जाएगी आखिरकार वो क्या कुछ करने वाली इस पूरे मामले में। कमेटी डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड के खिलाफ बन रही है इस पूरे मामले में। गृह मंत्रालय ने पूरी मीटिंग भी बुलाई थी और इसे लेकर के ये कमेटी बनाई जा रही है जिसमें डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड के खिलाफ काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ ये कमेटी का गठन किया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 115वें संस्करण में मन की बात के उसमें भी जताई थी चिंता और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी कमेटी के जो मॉनिटर करेंगे वो इसे देखेंगे। फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर राज्यों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके राज्यों में आखिरकार अभी तक कितने मामले सामने आए। सभी राज्यों से ठगी के आंकड़े जुटाए जाएंगे और उसके बाद उन्हें स्टडी किया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए स्पेशल कैंपेन भी चलेगा, तो ये बड़ी बात है कि स्पेशल कैंपेन चलेगा, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इस सब से कैसे बचना है। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो इस पूरे मामलों में फंसे ना, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि आखिरकार डिजिटल अरेस्ट है क्या। तो आखिरकार कमेटी कैसे काम करेगी ये हमने आपको बताया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। पीएम मोदी ने चिंता जताई, उसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन एक बार आप सुन लीजिए कि इस बार जो पीएम मोदी ने अपनी मन की बात कही थी उसमें क्या जिक्र किया था पीएम मोदी ने। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो मगर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके यस सर। यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर।
फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है, ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए, वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव का आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति की वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। खुशियों के त्योहार दिवाली को लेकर के अयोध्या सज चुकी है। ना सिर्फ अयोध्या बल्कि देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन अयोध्या में जो इंतजाम किए गए हैं, तैयारी की गई है, वो ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से पहली दिवाली है और इसको इसलिए भव्य दिव्य बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कुछ देर बाद वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो खास तस्वीरें सामने आएगी वो भी आप तक पहुंचाएगी क्योंकि लगातार झांकियां वहां पर निकाली जा रही है। प्रभु श्री राम की झांकी निकाली जा रही है, माता सीता की झांकी निकाली जा रही है और अभी वहां पर रंग बिरंगे फूलों से साज सज्जा की गई है। तो एक एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं और अयोध्या दीपोत्सव में इस बार खास बात यह है कि 28 लाख दिए वो जलाए जाएंगे। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं, रितु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रितु जरा तस्वीरें दिखाइए, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी बात कीजिए कि वो कितने ज्यादा उत्साहित है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये प्रस्तुति यहाँ पर पेश की जा रही है। ये प्रस्तुति यहाँ पर ढोल की थाप पे आपको नृत्य करते हुए लोग नजर आ रहे होंगे और ये कलर्स जो है ये भारत की कलर्स